Hello students, greeting to all of you respective once again at my YouTube channel School Grant. Today I'm going to talk about English speaking easy way. अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, चाहे आप बिल्कुल जीरो हैं इंग्लिश में, आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको रीडिंग भी नहीं आती है, या आपको इंग्लिश भी आती है, रीडिंग भी आती है, बोल भी लेते हैं तो फ्लुएंटली नहीं आती है, तो इसके लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ. रीड, लर्न एंड स्पीक, ये तीनों का स्ट्रक्चर अगर आप एक बार समझ लेंगे और उनको एक लेवल पर अपने लेवल के हिसाब से लेवल को फिट करेंगे तो डेफिनेटली आप इंग्लिश बोल पाएंगे. और ये एग्जैक्टली ट्रू है, बस आपको एक बार समझ लेना है. अगर आपको लगता है कि आप वास्तव में ये फॉर्मूला आपके लिए काम करेगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा. देखिए, रीड, लर्न और स्पीक, इसको हमने क्यों लिया, पहली बात ये समझिए. सबसे पहला इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है या इंग्लिश बोलनी है तो उसके लिए लर्निंग बहुत ज़रूरी है. मतलब आप जब इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपके लिए इंग्लिश आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता, आखिर वो बोलेंगे कैसे. तो ये भी संभव है, अगर आपको पढ़ना नहीं आता और थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ये भी संभव है कि वास्तव में आप इंग्लिश बोल भी पाएंगे, बेशक पढ़ना नहीं आता होगा. तो वो कैसे होगा संभव, आपको रीडिंग नहीं आती, इंग्लिश पढ़ना नहीं आती, तो आपको सिंपल सा एक काम करना है कि आपको ऑनलाइन स्टडी करनी है जिसमें वो खुद बताते हो कि उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है. लाइक हम यहाँ पर लिखते हैं एक सेंटेंस, हाउ आर यू. हमने ये सेंटेंस लिख दिया, हाउ आर यू. अब इसका हिंदी हो गया, हम इसका हिंदी लिखेंगे हाउ, ठीक है, आर यू, हाउ आर यू, ठीक है, हमने लिख दिया हाउ आर यू. ये इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया. तो हिंदी तो आपको थोड़ी थोड़ी आती होगी, आप पढ़ेंगे हाउ आर यू, इसका मतलब आप कैसे हैं. तो प्रोनाउंसिएशन ये हो गया हाउ आर यू, ये तो आप चाहे खुद किसी से लिखवा भी सकते हैं. यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है पढ़ना तो ये हिंदी का प्रोनाउंसिएशन आप जिसको इंग्लिश पढ़ना आती है उससे लिखवाएं, और लिखवाने के बाद इन सेंटेंसेस को जो है लर्निंग फोकस पर लेकर के, किस पर लेकर के आए, दूसरा स्टेप. जिनको रीडिंग भी आती है तो उनको लेकर के आना लर्निंग फोकस पर अपना स्टेट. सीधा सीधा क्या करना है, जो भी सेंटेंसेस हैं कम से कम आपको 500 से लेकर के 1000 सेंटेंस तक लर्न कर लेने. ये बहुत इजी मैं बता रहा हूँ. मैं लर्न कर लेने मतलब याद कर लेने, और जब आप याद कर लेंगे इतने सेंटेंसेस को, जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है वो इस तरीके से किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से प्रोनाउंसिएशन बलवाने, उनको याद कर लें, और जिनको आती है वो सेंटेंस को लर्न कर लें. अब ये कौन सी स्टेज की बात कर रहा हूँ, उस स्टेज की जिनको इंग्लिश आती तो है, जो इंग्लिश पढ़ भी सकते हैं लेकिन फिर भी उनको ग्रामेटिकल रूल्स का नहीं पता है, वो ग्रामर के रूल्स नहीं जानते कि ग्रामर से कैसे सेंटेंस बनाए जाएंगे, फिर कैसे इंग्लिश बोली जाएगी. तो यहां पर अगर आप इस तरीके से करते तो उसमें ग्रामर की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी. आपको लर्निंग वर्क के साथ में अगर आप डेली रूटीन के वर्ड समझेंगे तो मुश्किल से 500 या 1000 वर्ड डेली बोले जाते होंगे आसपास में, फ्रेंड्स में, सर्कल में, रिसर्च, कहीं पर भी चले जाइए आप, वही लॉट फेयर के कम से कम 1000 वर्ड्स के आसपास होंगे, 1000 सेंटेंसेस के आसपास, वही आपको लर्निंग कर लेनी है. अच्छा, अब आता है लर्निंग के बाद में स्पीकिंग. ये जो प्लेटफॉर्म है, यदि आप स्पीक करते हैं, यदि आप बोलते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा. आपको बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब तक आप जो आपने लर्निंग की उसको बोली, आप मिरर के सामने बोल सकते हैं, शीशा के सामने बोल सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बोल सकते हैं. अगर आप बोलेंगे नहीं तो रीडिंग और लर्निंग का कोई फायदा नहीं. तो आपको करना क्या कि इंग्लिश को रीड करना, फिर लर्न करना, फिर उसको बोलना है. गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, नो मैटर. देखिए, अगर आप स्टार्टिंग करेंगे तो आपको दो चीज़ों का सामना करना पड़ेगा. पहली चीज़ कि आपको इंग्लिश पहली बार अगर जोर डाल रही है तो आपको नहीं आएगी, लेकिन अगर आ भी गई और बोलना भी शुरू हो गए तो आपके जो नेवर हैं, आपके जो फैंस हैं या आपके जो एनिमीज हैं, वो आपकी हो सकता है कि उस समय पर मजाक भी बनाना शुरू करते. तो इससे आप क्या करोगे, स्टॉप कर दोगे अपने आपको. ऐसा भी नहीं करना है. अगर वो आपसे कहें सेंटेंस बनाना आता है, नहीं है. आपसे कहें कुछ करना आता, नहीं आता, लेकिन फिर आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हो, बोले साहब मेरी शौक है, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ. तो इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए आपको सेंटेंसेस को लर्न करके तब उनको बोलना है. अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्यों आपको और कैसे इंग्लिश आ जाएगी. देखिए, जब आपकी उसमें इंटरेस्ट जग जाएगा आपका, जब आप याद करके बोलेंगे, याद करके बोलेंगे, लर्निंग स्पीकिंग, लर्निंग स्पीकिंग, तो वहाँ के बाद आपकी जो इंग्लिश होगी उसमें आपका इंटरेस्ट जग जाएगा. और इंटरेस्ट जब जग जाता है, एक बार किसी का इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में जग जाए तो वो उसका कीड़ा बनना चाहता है, फिर आपके अंदर जुनून पैदा हो जाएगा और आप डेफिनेटली इंग्लिश को
विद ग्रामेटिकल रूल समझेंगे और इंग्लिश के पूरे डीप में चले जाएंगे डेफिनेटली। लेकिन आपको पहले क्या करना है, पहले सिंपल सिंपल था स्टार्टिंग करनी, और स्टार्टिंग के लिए रीडिंग पहले करिए, लर्निंग फिर स्टार्ट करिए, सेंटेंसेस को याद करना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए, फिर स्पीकिंग है जिसको फील्ड में उतारिए, लोगों के सामने फैमिली में बोलिए। मे बी रॉन्ग और राइट, गलत बोल रहे हो सही बोल रहे हो, इसकी परवाह नहीं करनी। अगर इसकी परवाह करोगे तब भी पीछे ही रह जाओगे। तो डेफिनेटली एक बार जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बोलने का, याद किया बोला, याद किया बोला, इसके बाद में आपको इंग्लिश में अच्छा लगने लगेगा और आप डीप में जाने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर आपको अच्छे से इंग्लिश आ जाएगी। तो ये था जीरो बैलेंस से स्टार्टिंग करने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना।